आप होशियार हो चुके हो, एक्सपर्ट हो चुके हो, तो आपको तो बल्कि आप ऐसे ऐसे प्रोग्राम्स के अंदर अटैच हो कि जहां पर लोग 1,65,000 रुपए आजकल फीस दे दे के वहां पर ज्वाइनिंग कर रहे हैं। 1,65,000 आजकल लोग जो ऑनलाइन जो कमिटमेंट का सेशन है, पहले सेशन होते थे तो 3.5 लाख की फीस थी, आजकल ऑनलाइन सेशन है तो इस वजह से उनका जो कॉस्टिंग कम आ रहा है, तो कॉस्टिंग कम आ रहा है तो आजकल 1,65,000 में ज्वाइनिंग करा रहे हैं। आजकल आप तो ऐसी जगह से संबंधित हो जहां पर लोग 1,65,000 रुपए फीस देके ज्वाइनिंग करते हैं। वेरी गुड। आप तो हाईली ट्रेंड हो, वैसे भी एक्सपर्ट हो, और आपका काम ना बने ऐसा हो ही नहीं सकता। ओके सर, जी, करते हैं जी तो कोशिश। क्या प्रोग्रेस है, क्या हो क्या रहा है, कुछ काम वगैरह में क्या कोई दिक्कत वगैरह कुछ आ रही है, कुछ काम हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है? दिक्कत दिक्कत कुछ नहीं आ रही, बस वो जी ये है कि सर थोड़ा मीटिंग कम होती है या बाकी उससे टाइम भी जाता है, जो ठीक है। मेन चीज तो यही नंबर है। ऑफ मीटिंग्स, ओके, आप नंबर ऑफ मीटिंग्स कितनी चाह रहे हो और कितनी हो रही है? चाहे तो बहुत कितनी मीटिंग्स होनी कुछ चाहिए लोग और कम, एक्चुअली बोलिए। कितनी? हाँ जी, आपकी क्या इच्छा है, कितनी मीटिंग्स होनी चाहिए और एक्चुअली कितनी हो रही हैं? भाई 1-2 दिन में हो जाए बढ़िया है। ठीक है, बढ़िया। तो आपकी 1-2 मीटिंग का आप ट्रैकिंग कैसे रखते हो कि मेरी 1-2 मीटिंग जो है वो इन टाइम हो जाए, या तो आप कोई टाइम वगैरह डिसाइड करके रखते हो कि हाँ इतने बजे से? ये नहीं हो पाता, क्योंकि कहीं ना कहीं काम और क्या हो, अगर टके किसी और में लग गए, कोई रिकॉर्ड में हाँ अपडेट करने हैं या कुछ करने हैं, तो इसलिए थोड़ा सा हाँ भाई इसी में थोड़ी कमी है, अभी उसी को सुधार रहे हैं। ठीक है इसको सुधार करके जो है कुछ जी। किया जाए। जी, क्या होता है कि इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर काम, और इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर कई सारे प्रोडक्ट काम भी होते हैं, कई सारे टाइम काम भी होते हैं, कई सारे छोटे काम भी होते हैं, कई सारे बड़े काम भी होते हैं, बिल्कुल और इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर हमें ये डिसाइड करना है कि हमको पैसा कहाँ से मिलने वाला है। देखिए, ओके नौकरी वाले को तो फिक्स है, इतने बजे से इतने बजे करना है, उसको पता है कि उसको टाइम का पैसा मिल रहा है, हाँ लेकिन जी दुकान बिल्कुल भी होता है उसका फिक्स नहीं होता, तो मेरा सामान दिखेगा तो पैसा आएगा। और इंश्योरेंस एजेंसी के अंदर हमको कई बार लगता है कि हम काम कर रहे हैं, लेकिन उसका रिजल्ट जी क्या निकलेगा वो नहीं पता लगता। वो पता नहीं कई बार सही। हम लगता है कि हम ये जो अभी कर रहे हैं अच्छा आएगा, लेकिन उसका रिजल्ट कई बार उतना वैसा, कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी एक्सपेक्ट के हिसाब से उसका रिजल्ट नहीं आता। बिल्कुल तो अब यदि हमको मालूम है कि हमारा न्यू मीटिंग करने से पैसा आने वाला है, जी तो हम कि आपके पास मान लो 10, 15, 20, 25, 50, 100, 200 काम है, अब उनमें से एक काम ऐसा है जहां से हमें सबसे ज्यादा पैसा आने वाला है, हाँ जी उसको बोलते हैं न्यू प्रोस्पेक्ट्स के साथ मीटिंग करना। ओके तो क्या ये पॉसिबल नहीं है कि हम न्यू प्रोस्पेक्ट के साथ जो मीटिंग करने वाला काम है उसको नंबर 1 पे रखें, और बाकी के हमारे 99 काम हम बाद में रखें? तो हमारा ये वाला काम हो गया। कई बार क्या होता है कि एक बड़ा काम कर दिया, बाकी के छोटे छोटे कामों की जरूरत नहीं पड़ती। कोशिश तो होगा अच्छा, मीटिंग करने के लिए कोई ऐसा तो है नहीं कि आदमी को ढूंढना है, या तो स्पेशली कोई हमें कोई लंबा ट्रेवल करके जाना है, कोई ऐसा तो कोई रीजन कोई है नहीं? हम अपने आस पड़ोस ट्रैवल भी करना पड़ता है, में कोई बात नहीं, लंबा ट्रैवल हाँ भी करना पड़ता है। नहीं, आप विद अपॉइंटमेंट लेके जा सकते हैं, आप विदाउट अपॉइंटमेंट लेके भी जा सकते हैं, आप जैसे मर्जी लोगों से मीटिंग कर सकते हैं। ऐसे तो कोई कंपल्शन तो है नहीं कि हमें विद अपॉइंटमेंट ही जाना है या तो लंबा ट्रेवल ही करना है हमें। बिल्कुल हाँ, तो आप अपने आसपास भी मीटिंग कर सकते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को भी मिल सकते हैं। आसपास भी कर सकते हैं, और अगर कोई स्पेशल मीटिंग करनी है तो फिर उसके हिसाब से फिर वो जो जहां बंदा मिलता है रिक्वायरमेंट हो सकती है, फिर वो भी करना होता है। जी, ठीक है, अच्छी बात है, बढ़िया है, विश यू ऑल द बेस्ट। लेकिन हाँ, आप फर्स्ट मीटिंग के लिए जब हम एक्चुअली कंडीशंस, नियम कायदे कानून अपने मीटिंग के ऊपर से हटा देते हैं ना, तो हमारी मीटिंग्स आसान हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल, हम यदि ऐसा टारगेट रखें कि चलो पहली मीटिंग के लिए हम आसपास में किसी को मिल डालेंगे, हमारा कोई दुकानदार है, कोई कोई दफ्तर वाला है, कोई नौकरी वाला है, कोई कुछ कोई भी आदमी है, मतलब हम पहली हाँ मीटिंग हमारी हो जानी चाहिए,
मतलब मीटिंग का यदि हम ट्रैक करना शुरू करें कि हमारी पहली मीटिंग टाइम से निबड़ जानी चाहिए, तो फिर हमारी मीटिंग्स ऑटोमेटिकली बढ़ने लगेंगी। ओके हमें अच्छा एजेंट बनने की जरूरत नहीं है, हमें अच्छा मीटर बनने की जरूरत है। मतलब हम अच्छा जो है, मतलब हम जल्दी से जल्दी जो हमारी पहली मीटिंग है वो जल्दी से जल्दी निबड़ जाए, ऐसा करने की जरूरत है। ओके आप देखो जितने भी टॉप एजेंट है सब यही काम कर रहे हैं, वो कहते हैं हमारा पहला जो मीटिंग है वो टाइम से निबड़ जाए, बाकी की दुनिया बिल्कुल ठीक हो जाती है, बाकी की दुनिया के अंदर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। ओके जी, सो बाकी साथियों का भी स्वागत है। दीपक सिन्हा जी गुड मॉर्निंग, राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग, वॉक कर रहे हैं राजेंद्र जी, जी राजेंद्र जी गुड मॉर्निंग, रविराज जी गुड मॉर्निंग, और जी और कोई साथी बताना चाहेंगे क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, आपकी जिंदगी में क्या नया ताजा चल रहा है, क्या कुछ खास कर रहे हैं राजेंद्र जी, कुछ बताना चाहेंगे? अभी तो सर वॉकिंग चल रही है, कुछ नहीं चल रहा। बढ़िया, अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। मैं अपनी सुबह वॉक के लिए मैं निकला था, मैं सुबह 6:30 बजे निकल गया था, वॉक एक्सरसाइज सब कुछ करके मैं ऑलरेडी वहां से आ गया वापस, और बढ़िया। और कुछ मीटिंग्स आपकी हो पा रही हैं कि नहीं हो पा रही हैं? मीटिंग अभी नहीं हो पा रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। रविराज जी आप कुछ बताना चाहेंगे? बस सर जी। दीपक जी आपका क्या प्रोग्रेस है? सर आज का मीटिंग होगा हमारा आज और कल, दो लोग तीन लोगों से घर में आपने आपने फोन किया था, ज्यादा लोग को नहीं पर पूरा लोग इसी टावर में, टावर 6 में जिसमें रहता हूं मैं जी, तो उसमें दो लोगों के बाद हमारी बात मिल गई, पर ये सैटरडे और संडे के लिए दूर का है, एक ने सैटरडे का बोला है एक ने संडे का बोला है, बाकी लोग ने तो सारे लोगों ने तो ये कह दिया मेरे पास तो पर ऑलरेडी 10 पॉलिसीज है, किसी ने ये ऐसा क्या बोला कि आपको 10 पॉलिसी का ऑब्जेक्शन आया जी? आपने ऐसा कुछ ना कुछ बोला कि बदले में 10 पॉलिसी सुनने को मिला, आपने ऐसा क्या बोला था कि बदले में 10 पॉलिसी सुनने को मिला? मैंने अपना व्हाट्सएप ग्रुप में लिख करके उनको दिया, तो व्हाट्सएप का ग्रुप था कि मैंने बता दिया कि मैं LIC एडवाइजर हूँ, इंश्योरेंस एडवाइजर हूँ, और अपना परिचय पहले दे दिया था यहाँ पे रखा था, और आप लोग के सेवार्थ में थोड़ा सा इसका LIC का पॉलिसी वगैरह भी देता हूँ, और आप हमसे इस मामले में संपर्क करें, ऐसा हमने बना करके उनको दे दिया था, और ये काम हमने जैसे हफ्ता 10 दिन पहले ही कर लिया था, अभी हमारी चल रही थी वो पेपर वगैरह जो दे रहे थे रखा, तभी हमने कर लिया था, उसके बाद से हमने कुछ और लगा, फिर दूसरा बार हमने आके किया, फिर एक को हमने दो को फोन नंबर तो सारे ग्रुप वाले का है, तो हमने जैसे फोन करना स्टार्ट किया, मतलब ऐसा नहीं है कि हम 16 फ्लोर पे रहते हैं तो 16 फ्लोर में 6 फ्लैट हैं, तो एक एक करके पहले 16 में जाओ 15 में जाओ, मतलब जिसका मिल जा रहा है हमारे को उसको हम चले जाते हैं, तो ग्रुप में ही हमारे जैसे हमें काफी लोग हैं, तो हमने उन रैंडम से पिक करके जिनको जान रहा था, मैं थोड़ा सा भी कर रहा था उनको, हमने थोड़ा फोन कर लिया, तो उसी में से कुछ हमें लोगों ने ऐसा ने बता दिया, एक ने तो बताया कि हम तो ऊपर रहते आप तो पहले भी आए थे सर, आप तो कर रहे थे आकर के, हमने आपको बताया था आपको कि हमारे पास पॉलिसीज तो हैं काफी आप में जा करके, बट anyway, इतना जरूर है में कि दो लोगों से मिलना तय है, इट्स नॉट वेरी डिप्रेसिंग कैसे ना, परसिस्ट करने का बात हो जाता है कुछ में लगा करके, और हम भी क्या कर रहे हैं मुश्किल से, जब से आप हमें कर रहे हैं पिछले 10 दिनों से हमने 10 लोगों को फोन किया होगा जी, 10 लोगों को फोन किया होगा, तो एक दो लोगों को फोन करके थोड़ा सा हमें करके फिर अपना ही काम कर रहे हैं जो हमें लगे हुए हैं, तो पार्ट टाइम का भी पार्ट टाइम ही कर रहे हैं, मतलब एकदम बीवी से थोड़ा सा मिल लगा करके कि अपना ये काम आज हमारा कुछ काम बचा हुआ है कहीं पे जाकर करना, तो उसके लिए हम निकलेंगे बाहर जी। अब लौट करके आएंगे, हमारी आदमी का ये पड़ी हुई है दिनचर्या में, वो शाम के समय हमारी मीटिंग तय है, आज के दिन फ्री अरे है कि सैटरडे और संडे को मिला करके या छुट्टी वाले दिनों को मिला करके अपनी मीटिंग रख लें, और उसमें हम जो सो बाकी दिनों का कंपनसेट कर लें, क्योंकि अगर 5 लोग LIC के एजेंट को अगर 5 लोगों को हर रोज को मिलना है और 5 का एवरेज हम तो दिन में तो हमारा कोई ना यही सैटरडे और संडे मिलता है और छुट्टी का दिन मिल जाता है, 26 जनवरी वगैरह हो गया कुछ हमें तो मिल गया, तो इसी में से करके हमारे को कुछ ऐसा बढ़ा देना है कि हमारी हमारी जो सो एवरेज जो सो 3-4 तो कम से कम हो ही जाए, ये देखना होगा।
हम यही सोच रहे हैं कि मतलब सैटरडे संडे को मीटिंग हमारी ऐसी बढ़ा दिया जाए कि 10-10 लोग कम से कम मिल लें, 10-10 लोग। तो ये अगर 20 लोग अगर मिल लेते हैं, 20 लोग 20-25 लोग मिल लेते हैं तो कुछ रिजल्ट आना शुरू हो जाएगा। अब आज देख लीजिए हम कितना आचरण मिल देते हैं। ये हमारी मीटिंग मंडे को आपको कुछ हम बताएंगे सर, हमारी ऐसी बात भी ऐसे फिलहाल तो सर ऐसा जी बहुत ज्यादा भी नहीं, बहुत मेंटल जो एफर्ट हो रहा है मेंटली हो रहा है। और फिर कुछ ऐसे पुराने काम में लगे तो उनके कई बार फोन आ जाते हैं और कई तरह से आते हैं बताते हो, तो जो मतलब उनका भी वो भी मेरा ही काम है तो उसको भी देख ही रहे हैं जी। तो ये सब चीज है अभी, अभी कुछ इस तरह का नहीं हुआ एकदम, बिल्कुल एकदम फोकस सा हो गया हो और उसी को करना है, उसी मदद मिलना है, क्योंकि कमाई तो इसमें वैसे नहीं है आपके हाथ में जा करके जी। कमाई जहाँ है उसको पहले थोड़ा प्रायोरिटी दे करके हम तो काम कर रहे हैं, मतलब हम तो इसी तरह से काम कर रहे हैं। तो ये है सर, और कोई बहुत और कोई बात नहीं है, और कोई मतलब इंटरेस्ट लगा हुआ है। हो सकता है करते करते जैसे गति पकड़ ले, गति कब पकड़ लेता है, सेकंड गियर थर्ड गियर कब आ जाता है गाड़ी में वो पता भी नहीं चलता है, आपको भी नहीं पता चलता है गाड़ी किस गियर में चल रही है, तब जरूर स्पीड में बढ़ती लगती रहती है। तो अभी गाड़ी स्टार्ट ही हुई है समझो, स्टार्ट हो गई है, गड़गड़ा करके आगे बढ़ रही है थोड़ी देर जी। आपकी बात ठीक है, आपने डिसाइड अच्छा किया, 5 को डेली मिलना है, लेकिन 5 को डेली मिलना का मतलब है 5 को प्रेजेंटेशन देना और 5 को सेल क्लोजिंग करने का कोशिश करना, मतलब 5 को हमको सेल क्लोजिंग करने का कोशिश भी करना है, 5 को प्रेजेंटेशन देना है, मतलब पूरा मुलाकात तो तभी माना जाएगा ना जब हमने उसको प्रेजेंटेशन देकर सेल्स क्लोजिंग करने का कोशिश किया जी। ठीक है कि नहीं है जी, मतलब पूरा कोशिश भी होना जरूरी है ना जी। हम उसको मिले तो मिलने के बाद हमने किया क्या, तो मिलने के बाद भी हमको सेल क्लोजिंग करने का कोशिश भी करना है ना जी। जी जी हमारे पास साथ में प्रदीप जी हैं, प्रदीप जी गुड मॉर्निंग, संजीव जी हमारे पास हैं, संजीव जी गुड मॉर्निंग, संजीव जी आज पहली बार आए हैं तो संजीव जी का भी स्वागत है। संजीव जी आप कुछ बोलना चाहेंगे, संजीव जी अभी थोड़ा सा कंफर्टेबल होने की कोशिश कर रहे हैं, और कोई साथी कुछ कहना चाहेंगे, मनीष जी गुड मॉर्निंग, मनीष जी भी हमारे पास सभी अभी ज्वाइन हुए हैं तो मनीष जी आप कुछ बोलना चाहेंगे, मनीष जी अपना एक्टिविटीज के बारे में, आज का मीटिंग क्या रहा, कल का मीटिंग क्या रहा, कुछ कहना चाहेंगे संजीव जी को बधाई, संजीव जी ने कल 2 पॉलिसियां सेल किया तो संजीव जी को बधाई, बहुत बहुत बधाई संजीव जी को। संजीव जी आप कुछ बताना कि इच्छा है आपकी कि कैसे आपने सेल किया, किस तरीके से आपने बात किया, क्या बताया लोगों को, कैसे आपका पॉलिसी 2 बिका कल का, अपनी सफलता का राज संजीव जी आप बताना चाहेंगे, नहीं कोई बात नहीं, हम लोग शुरुआत करते हैं। हमारे पास एक तो कल के लिए प्रोग्राम हमारे पास संडे के लिए अवेलेबल है, संडे हमारे पास जो हमारे पास स्पेशल जो गेस्ट आ रहे हैं, कल के लिए हमारे पास स्पेशल गेस्ट आ रहे हैं, आपको पता है कि आप ही की ब्रांच के MDRT एजेंट है, कल मैंने आपको MDRT का बैनर भेजा था, 12 लोगों के उसके अंदर फोटोग्राफ है, तो कल साथ में महेंद्र झा की फोटो भी मैंने भेजी थी, तो कल आपकी सुबह की टीम के जो मीटिंग रहेगी 10 बजे की मीटिंग है, एक तो कल सुबह की मीटिंग है 10 बजे, उसमें MDRT एजेंट आ रहे हैं किशन भट्ट, इसके अलावा 500 रुपए का प्राइस है 2 यूनिट लिंक पॉलिसी करने पर जनवरी में। अब आज जनवरी का आखिरी दिन है, कल संडे है, संडे में रिस्ट्रिक्शन रहती है, दफ्तर तो खैर बंद रहता है लेकिन कल दफ्तर खुलेगा, लेकिन फिर भी यूनिट लिंक का कल का होना पॉसिबल नहीं है क्योंकि उसके लिए ग्रीन चैनल होता है, तो 3,000 रुपए महीने या तो 4,000 रुपए महीने या तो 1,00,000 रुपए की फिक्स डिपॉजिट के हिसाब से यूनिट लिंक पॉलिसी होती है। हर महीने LIC की वेबसाइट पर इसका पोर्टफोलियो डाला जाता है, क्या परफॉर्मेंस है, कितने परसेंट की रिटर्न आ रही है, 65 अलग अलग तरीके के फंड्स हैं जो कि LIC के अलग अलग तरीके के यूनिट के अंदर मैनेज हो रहे हैं, तो 65 तरीके के फंड हैं, जैसे SIP और निवेश प्लस, इसके अंदर भी 4 तरीके के फंड हैं, ये 4 तरीके के फंड बॉन्ड फंड, इनकम फंड, बैलेंस फंड, ग्रोथ फंड, तो ये 4 तरीके के फंड हैं, LIC की वेबसाइट पर आप कभी भी इसको चेक कर सकते हैं, आप देख सकते हैं इसको वहां पर, ये हमेशा अवेलेबल है। हमारी टीम में जनवरी के अंदर प्रकाश रंजन जी ने एक यूनिट लिंक का पॉलिसी किया है, लेकिन 2 पॉलिसी आप आज भी कर सकते हैं, आज भी आपके पास अवेलेबल है। IOE का आज 30 तारीख को प्लान कॉम्बिनेशन का कोर्स हो रहा है, नए नए तरीके के कॉम्बिनेशन आपको बताएंगे, आपको ज्वाइन करना चाहिए, जूम पर है, 2,555 का फीस है। 28 से 31 जनवरी लक्की ड्रॉ का कूपन है,
आप 2829 3031 यानी कि आज और कल भी आप पॉलिसी जमा करेंगे तो लकी ड्रॉ का कूपन आपके नाम कर डलेगा। हमारे पीके त्यागी जी के 2 लकी ड्रॉ के कूपन ऑलरेडी ग्रीन चैनल के डल चुके हैं, तो आप भी उसके अंदर पार्टिसिपेट करें, आपका उसके अंदर गारंटीड प्राइस आएगा। जोनल मैनेजर को टूरिस्ट स्पॉट पर मुलाकात आपकी जोनल मैनेजर से रहेगी, पूरे नॉर्थ इंडिया के हेड होते हैं, सिर्फ 25 पॉलिसी पर, एक कस्टमर से भी 25 पॉलिसी हो सकता है, 25 पॉलिसी का यदि पैकेज आप बनाएंगे जनवरी में। गणेश जूसर आपके लिए मिल रहा है 4 पॉलिसीज पर, क्वालिफायर जिन्होंने ट्रॉफी क्वालिफाई कर रखी है उनके लिए 4 पॉलिसी पर गणेश जूसर मिल रहा है, जिन्होंने ट्रॉफी नहीं की है उनके लिए साथ में ट्रॉफी मिल रही है कि भाई गणेश जूसर नहीं तो फिर आपको ट्रॉफी मिलेगी। 9 पॉलिसी यदि आप करते हैं तो साथ में टाइटन सोनाटा की घड़ी भी मिल रही है 27 से 31 जनवरी में। तो इस पीरियड के अंदर अभी तक सिर्फ पीके त्यागी जी की 2 पॉलिसी हुई हैं, आप सभी लोग इसके अंदर पार्टिसिपेट करें, गणेश जूसर, टाइटन सोनाटा की घड़ी या तो फिर तीसरा ये जो ट्रॉफी है, तो ये आइटम जरूर लें आप। गणतंत्र दिवस की ट्रॉफी आ चुकी है, मैंने कल भी आपको लिख के भेजा था, 40 ट्रॉफी आ गई है कल, एबीएम और बीएम ने मुझे कंफर्म किया था, नेहा कल छुट्टी पर थी सेल्स डिपार्टमेंट में, तो रिजल्ट शायद आज वो बना लेगी तो ट्रॉफी आज मिल जानी चाहिए। तो कल ट्रॉफी के लिए मैंने बीएम को पूछा था तो उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं सारी की सारी ट्रॉफी दे देंगे। मैंने कहा ठीक है भाई सारी ट्रॉफी, अब ऐसा कोई स्पेसिफिक टाइम तो उन्होंने बताया नहीं है। अब हमारी टीम के अंदर जो 3 क्वालिफायर है हमारे पास, मदन राय विद गणतंत्र दिवस ट्रॉफी, साथ में एसडीएम ऑनरिंग, एसडीएम ऑनरिंग तो खैर बाद में जब भी रहेगी तब रहेगी, फिलहाल ट्रॉफी जो है वो हम ले सकते हैं। राजेंद्र जी अभी हमारे पास मॉर्निंग वॉक के अंदर अवेलेबल है, तो राजेंद्र जी को भी बधाई, गणतंत्र दिवस ट्रॉफी साथ में आपने क्वालिफाई कर लिया है एसडीएम ऑनरिंग, तो एसडीएम ऑनरिंग जब रहेगी तब रहेगी, फिलहाल ट्रॉफी अवेलेबल है, तो आज यदि आप आएंगे तो ट्रॉफी जरूर ले लीजिएगा। कल बीएम ने बोला था कि भाई नेहा आएगी रिजल्ट बनाएगी उसके बाद में दे सकता हूँ, तो मुझे लगता है नेहा आज रिजल्ट विजल्ट ये सब फाइनल हो जाएगा। मनीष जी भी आज 3 बजे मनीष जी ने मुझे लिख के भेजा था कि आ रहे हैं, तो मनीष जी मुझे लगता है कि आपके 3 बजे तक आने तक ये रिजल्ट बन जाएगा, तो ट्रॉफी आप भी लेकर जाएं। इसके अलावा हमारे पास विनर नरेंद्र पाल जी हैं, कपिल खुराना जी हैं, किशन लाल, मंजू चौधरी, पीके त्यागी, नवीन जैन, वीरेंद्र शर्मा जी हैं हमारे पास, तो ये सब लोग हमारे पास क्वालिफायर हैं, विकास गोयल जी हैं, ये ट्रॉफियां जब इनकी आएंगी तब आएंगी। प्लेयर वर्सेस ऑडियंस एटीट्यूड, प्लेयर वर्सेस ऑडियंस एटीट्यूड, इसके बारे में आप में से कोई बोलना चाहेंगे माइक ऑन करके बोलिएगा, ये हमारा आज का पॉइंट इधर भी लिखा हुआ है, आप यदि इसमें देखेंगे 9 नंबर पॉइंट है आज का हमारा, प्लेयर वर्सेस ऑडियंस एटीट्यूड, इसके बारे में आप में से कौन बोलना चाहेंगे, माइक ऑन करके आप बोलिएगा, जो भी आप यदि बोलना चाहेंगे माइक ऑन करके बोलिएगा, ये प्लेयर वर्सेस ऑडियंस एटीट्यूड होता क्या है, ये होता क्या है और LIC एजेंसी के अंदर हमें इससे क्या लेना देना है, होता क्या है और हमको लेना देना क्या है, आप में से कौन साथी बोलेंगे इसके बारे में, कुछ भी आप बोलना चाहें, कुछ भी आपके विचार हो, कुछ भी आपकी सोच हो, कुछ भी आप कहना चाहें इसके बारे में, नहीं आप नहीं कहेंगे, चलो ठीक है हम इसके बारे में बात करने की कोशिश करते हैं। प्लेयर वर्सेस ऑडियंस एटीट्यूड का मतलब होता है कि हम जैसे स्टेडियम के अंदर मैच होता है, मैच में क्या होता है, क्रिकेट के 11 खिलाड़ी वहां पर खेल रहे हैं, सारी दुनिया तालियां बजा रही है, यहाँ पे 1 लाख 2 लाख 5 लाख इवन टीवी पर और इंटरनेट पर भी लोग मैच को देख रहे होते हैं, करोड़ों लोग मैच को देख रहे होते हैं लेकिन खेलने वाले सिर्फ 11 लोग होते हैं। इसी तरीके से मूवी बन रही होती है, मूवी के अंदर जो एक्टर होते हैं, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो प्रोड्यूसर होते हैं, जो डायरेक्टर होते हैं, जो कैमरा मैन होते हैं, मुश्किल से 30-40-50 लोग होते हैं, देखते हैं करोड़ों लोग उसके लिए पैसा खर्चा करते हैं। जो प्लेयर होता है उसको पैसा मिलता है, उसको तारीफ मिलती है, उसको अप्रिसिएशन मिलता है, उसके करियर का प्रोग्रेस होता है, ऑडियंस का कुछ नहीं होता, ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेनमेंट मिलता है। तो हमें अपनी LIC एजेंसी के अंदर ऑडियंस बनना है या तो प्लेयर बनना है, इसका डिसीजन हमें आज लेना पड़ेगा। ऑडियंस का मतलब होता है कि हम देख रहे हैं दूसरे लोग क्या कर रहे हैं। प्लेयर का मतलब होता है हमने SDM ट्रॉफी क्वालिफाई किया, हमने SDM ऑनरिंग क्वालिफाई किया, हमने गणतंत्र दिवस ट्रॉफी क्वालिफाई किया, हमने कुछ ना कुछ क्वालिफाई किया, मतलब हम प्लेयर हैं। तो हम कुछ प्लेयर जब हम प्ले करते हैं तो तुम्हें हमको अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है कि भाई देखो इन्होंने ये चीज क्वालिफाई की। तो थोड़ा सा प्लेयर एटीट्यूड थोड़ा सा बढ़ाएं। हम मॉर्निंग वॉक पर निकले, हमने किसी से बातचीत किया इंश्योरेंस के बारे में। अच्छा चलो इंश्योरेंस की बात नहीं की, इंसान है ना,
वैसे इंसानियत के तौर पे बात तो कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, मौसम की बात कर सकते हैं, मोदी की बात कर सकते हैं, कुछ भी बात कर सकते हैं, हम कहीं ना कहीं से शुरुआत कर देंगे, इवन अनजान को भी शुरुआत कर देंगे तो इंश्योरेंस में तो हम उसको मोड़ माड़ के कहीं ना कहीं लेकर चले जाएंगे। सो थोड़ा सा मेरा सुझाव है कि हर एक व्यक्ति से कुछ ना कुछ, इवन झाड़ू वाले से भी हालचाल तो पूछ ही सकते हैं ना, कम से कम उसको लगेगा यार ये कोई ना कोई देखो इज्जतदार आदमी है, कोई ना कोई समझदार आदमी है, कोई ना कोई बेचारा भला आदमी है, कम से कम मेरे हालचाल तो पूछ रहा है। तो मेरा ये सुझाव है लोगों से बातचीत जरूर करें, कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर मिल सकता है, डेफिनेटली मिल सकता है। 10 नंबर पॉइंट आज का हमारा है, कैलेंडर विमोचन से मैंने पॉलिसी कैसे बेची, मनोज गुप्ता। तो ये मनोज गुप्ता जी जो है, ये मनोज गुप्ता जी है कौन पहले तो ये जान लेते हैं। अभी बुधवार को कमिटमेंट का सेशन हुआ था, तो गुप्ता जी वो शेयरिंग का सेशन रहता है, शेयरिंग का प्रोग्राम रहता है, मतलब बुधवार को सुबह 7 बजे से 9 बजे का आयोजित का कमिटमेंट का वो सेशन रहता है जूम पर। तो एक साथी हमारे शेयरिंग कर रहे थे, कहते जी पॉलिसी हमने कैसे बेची, कहते हैं मैंने न्यू ईयर के कैलेंडर बनवा लिया और न्यू ईयर के कैलेंडर के द्वारा, एलआईसी ने तो बनाए नहीं इस बार न्यू ईयर कैलेंडर, तो इन भाई साहब ने क्या किया कि न्यू ईयर के कैलेंडर बनाने के बाद कहते मैंने क्या किया कि आसपास के जितने भी लोग थे उनको बोला जी विमोचन कराना है जी आपके हाथों, विमोचन कराने के नाम पे कहते मैं सबके पास पहुंच गया और विमोचन के नाम पे मैंने पॉलिसी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं गांव में पहुंचा मैंने गांव के सरपंच को बोला जी आपके हाथों से विमोचन कराना है। अब गांव के सरपंच ने कहा हाँ जी विमोचन कर देते हैं। अब विमोचन के नाम पे वो 2, 4, 10, 15, 20 लोग इकट्ठे हो गए, वो सारे के सारे वो विमोचन के नाम पे तालियां बजा रहे हैं, फोटो खिंचवा रहे हैं और ढेर सारे लोग हो गए। अब विमोचन के नाम पे मेरे को ढेर सारे लोग वहां पर मिल गए। अब उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने एक एक आदमी को जाके भाई साहब आपने विमोचन किया था, तो भाई साहब सारी दुनिया का विमोचन कर रहे हो, ये कैलेंडर का विमोचन कर रहे हो, कैलेंडर का मुहूर्त, कैलेंडर का विमोचन तो आप समझते ही है, कैलेंडर का मुहूर्त, कैलेंडर का उद्घाटन। तो विमोचन के नाम पे जितने लोगों ने विमोचन किया था एक एक आदमी को पहुंच गए, भाई साहब एक छोटा करो छोटे ग्रुप, छोटे छोटे ग्रुप मैंने ढूंढे, मैं नाम पर मैंने पॉलिसी बेचा और इससे मुझे अच्छा रिजल्ट आया। तो ये आपको यदि इस आइडिया के बारे में कुछ बोलना है तो आप अपना माइक ऑन करके बोलें, आपको ये वाला आइडिया अच्छा लगा खराब लगा करने, नहीं आपका राजेंद्र जी माइक बंद है, माइक बंद है, माइक आपका बंद है, माइक बंद है, माइक अपना ऑन करेंगे तो बोल पाएंगे। मैंने कैलेंडर और डायरी के नाम पे ना मैंने बहुत सारी पॉलिसियां सेल करी है, लेकिन अब सर एलआईसी की डायरी तो इस बार ये मिनिस्ट्री ने मना कर दिया, मिनिस्ट्री ने कहा जी इस बार कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी गवर्नमेंट कंपनी ना तो कैलेंडर बनाएगी ना तो डायरी बनाएगी, तो ऑलरेडी मना है। और ये तो जून में ही मना कर दिया था, सर्कुलर आ गया था, होम मिनिस्ट्री का सर्कुलर आ गया था कि कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट कोई भी गवर्नमेंट कंपनी इस बार ना तो कोई कैलेंडर बनाएंगे ना तो कोई डायरी बनाएंगे, कोविड चल रहा है ना, तो इस बार तो डायरियां बटी है। हाँ जी कोविड तो खत्म हो गया सर, कहां है कोविड, नहीं वो आपको लगता है मुझे लगता है ठीक है ना, लेकिन सरकार का ये जो ऑर्डर है ये तो जून का संजीव को लगता है कोविड बहुत ज्यादा फैल रहा है इसके यहाँ पे, ये क्या फैल रहा है, तो घर से निकला ही नहीं सर, ये कल ही घर से निकला है, 2 पॉलिसी लेकर आया भी है और डेली घर से निकलेगा ना 10 पॉलिसी डेली लाएगा, इसके अंदर कैपेसिटी बहुत संजीव की जबरदस्त कैपेसिटी है, संजीव तो जबरदस्त आदमी है, ग्रेट आदमी है, लेकिन कर क्यों नहीं रहा पता नहीं चल रहा है इसका, ये तो संजीव जी बता सकते हैं भाई साहब क्या हो गया, ये क्या बात है, नाराज है क्या है, संजीव जी बता सकते हैं, तो संजीव जी इतना शर्मा क्यों रहे हो, थोड़ा सा कम से कम माइक ऑन करके कुछ तो बोल दो, आप तो दुल्हन की तरह शर्मा रहे हो संजीव जी भाई, संजीव जी आज ये 5 पॉलिसी लेके आएगा, राजेंद्र अपना, राजेंद्र भाई अपना आज ये 5 पॉलिसी लेके आएगा पक्का, भाई 4 पॉलिसी के ऊपर वो वाला निकला हुआ है, स्पेशल स्कीम निकली हुई है 4 पॉलिसी के ऊपर, गणतंत्र दिवस ट्रॉफी, तो यदि ये चाहें मतलब 2 तो इनकी हो गई हैं, बाकी 2 और कर लेंगे तो गणतंत्र दिवस की ट्रॉफी हो जाएगी, और आज लेके आएगा
आज चार बॉल से लेकर आएगा संजीव, क्या कुछ भी हो जाए। और सर आपने जो मेरी ट्रॉफी आज जो अभी जो आज ट्रॉफी लूंगा संजीव, मैं सोच रहा हूँ संजीव के हाथ से ही लूँ उसको। संजीव के हाथ से ले लो, बिल्कुल ले लो। तो ये आज ट्रॉफी क्लियर करके मारेंगे, डेफिनेटली ट्रॉफी क्लियर करेंगे। हाँ पिछली बार आप राजेंद्र जी जब आए थे तो उस समय 20 ट्रॉफी आई थी, 20 ट्रॉफी आई थी, वो जो मीटिंग बुलाई थी ना इन्होंने, तो 6 पॉलिसी के ऊपर ये डिग्री भी दे रहे हैं, वो एक रंग बिरंगा सा एक ऑनर का रोल भी दे रहे हैं। तो राजेंद्र जी आपने भी क्वालिफाई किया है, मनीष जी ने भी क्वालिफाई किया, तो आज अपना ऑनरिंग का रोल भी आप लेकर जरूर जाइएगा। हाँ मैं आऊंगा ऑफिस आज। हाँ वैसे वो तो सोमवार की स्कीम थी, हाँ बिल्कुल आप ले जाइए, मुझे लगता है तब तक शायद ये नेहा अपना रिजल्ट भी बना लेगी, तो यदि नेहा अपना रिजल्ट फाइनल कर लेती है तो फिर आप इसको ले लीजिएगा, या तो नहीं भी करेगी तो क्या हो गया। वो तो क्या होता है कि सामने जब हम खड़े होते हैं ना तो वो रिजल्ट फिजल्ट ये सब चलो कोई बात नहीं, वो सब तो आगे पीछे हो जाता है। सो आप यहाँ पर आए बहुत ही बढ़िया लगा, हमारा टाइम भी हो चला है, हमारा 9:10 तक का टाइम आज का था। सो आपने यहाँ पर आए, इतनी शानदार बातें आपने करी, बहुत ही अच्छा लगा। आज के प्रोग्राम के अंदर आपको क्या क्या अच्छा लगा, आप में से कौन कौन साथी बोलना चाहेंगे, कुछ पसंद आया नहीं आया, आप यहाँ पर आए मिले, कुछ अच्छा लगा नहीं लगा, क्या हुआ? बहुत अच्छा लगा सुन के संजीव की 2 पॉलिसी हो गई हैं और आज ये ट्रॉफी गारंटेड क्लियर कर। एक मिनट यार, संजीव के बाजू में भी कोई है भाई, उसको भी जरा हेलो कर लो। संजीव भाई स्पीकर तो ऑन कर ले भाई। हेलो बेटा, हेलो बेटा, यार माइक बंद है, संजीव आपका माइक बंद है, संजीव माइक बंद है बेटा, यार बिटिया से बात तो करा दो संजीव, बिटिया से बात नहीं कराएंगे। चलो कोई बात नहीं, तो नहीं ओके। सो आज आप यहाँ पर आए, बाकी साथियों को क्या क्या लगा, बाकी साथी कुछ कहना चाहेंगे? कपूर साहब, जिना साहब, मनीष जी, रविराज जी, नहीं। सो कल मॉर्निंग में जरूर मिलिएगा, 10 का कल का प्रोग्राम रहेगा, कल सुबह 10 आप ही की ब्रांच के किशन भट्ट आ रहे हैं, MDRT उन्होंने क्वालिफाई किया है आप ही की ब्रांच के अंदर, MDRT उन्होंने कैसे क्वालिफाई किया है उसके बाद बारे में वो बताएंगे, आपका भी MDRT कैसे हो सकता है उसके आसान आसान तरीके वो बताएंगे। आप ही की ब्रांच में MDRT का बैनर, 2 बैनर लगे हैं, एक तो सीढ़ियों में लगा है, एक डीओ रूम में लगा है, तो आप आएंगे तो आपको वो देखने को मिलेगा, मैंने भी फोटो खींच के उसकी आपको भेजी थी। और कल 10 वाला सेशन मिस नहीं करना है किसी भी हालत में, वहां पर आ रहे हैं किशन भट्ट, तो कल का शानदार प्रोग्राम रहेगा, आपको भी अच्छा लगेगा, जरूर वहां पर टाइम से आ जाएं, 2-5 के पहले ही आ जाएं तो ज्यादा अच्छा है। सो बेटा बाय बाय। संजीव जी नाम क्या है बिटिया का? वो संजीव जी माइक आपका बंद है, माइक बंद है संजीव जी आपका। प्राप्ति प्राप्ति प्राप्ति, हाँ प्राप्ति, अरे वाह क्या बात है प्राप्ति बेटा, गुड मॉर्निंग एंड बाय। हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, हाँ गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग, ओके बाय 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 बाय, गुड डे, बाय बाय बाय, कल फिर से मिलेंगे बेटा, कल सुबह फिर से आना, ठीक है बेटा, बाय बेटा, कल फिर से आना, कल सुबह फिर से मिलेंगे, बाय बाय बेटा।